इतने दिनों से मेरे जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों? इसकी सजा मिलेगी। गाइज, हमारे एनिमेटेड भूतों की सजा से बचो और जल्दी से हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। हॉन्ज़ो द जोकर। कुछ चीजें इंसानों की सोच से परे होती हैं, जो बातें शायद सुनने में अनबिलीवेबल या झूठी लगें, उनका सच होना उतना ही मुमकिन होता है जितना एक सूखे पत्थर पर पौधे का उगना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सैम जॉन और उसकी छोटी बहन लिंडा अपने घर के पास में लगे एक मेले में गए। वहां हर किस्म की राइड्स और खाने की चीजें थीं। घूमते घूमते वो मेले में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर कोई नहीं था। बस सामने एक बड़ा सा टेंट लगा था जिसके ऊपर एक वार्निंग जैसा कुछ लिखा था, यू डोंट वॉन्ट मीट हॉन्ज़ो, यानी हॉन्ज़ो से ना मिलने में ही भलाई है। उस टेंट के आगे लगे स्पीकर्स से एक बहुत ही डरावनी जोकर की हंसी की आवाजें आ रही थी। लिंडा तो उस टेंट को देखकर ही डर गई और जॉन ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। पर सैम थोड़ा अलग नेचर का था, उसको हर चीज में खुद को बड़ा दिखाना बेहद पसंद था। उसने जॉन और लिंडा का मजाक उड़ाया और उस टेंट की तरफ बढ़ने लगा। उस टेंट की एंट्री के पास पहुंचते ही एक मोटा सा आदमी रंग बिरंगा कोट पहने सैम के सामने आ गया। उसने अपने मुंह में एक जलती सिगार रखी हुई थी। उसने सैम को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आजाद हो, पर अगर गलत चुनोगे तो तुम्हें हॉन्ज़ो मिलेगा। इतना कहकर वो आदमी जोरों से हंसने लगा। अब सैम उस क्रीपी आदमी से मिलकर थोड़ा घबराने लगा था। ऐसा अजीब आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पीछे मुड़कर जॉन को ढूंढा और जैसे ही वो वापस घूमा, वो आदमी उसके पीछे से कहीं और चला गया। अगले दिन जॉन के घर पर तीनों बच्चे मेले में लगे उस टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन खोजने लगे। तभी जॉन के हाथों एक ऐसा आर्टिकल लगा जिसे देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि करीबन 50 साल पहले हॉन्ज़ो नाम का एक जोकर बहुत फेमस हुआ करता था और वो अपने सभी कर्तव्य सिगार पीते हुए करता था। एक दिन उसकी सिगार की वजह से ही उसके टेंट में आग लग गई और वो खुद ही उस आग में जलकर मर गया। उसके कई सालों बाद मेले में लगने वाले हॉन्टेड हाउस में लोगों को डराने के लिए हॉन्ज़ो का पुतला लगा दिया जाता है। पर कुछ लोगों का मानना है कि हॉन्ज़ो की आत्मा आज भी उन पुतलों में जिंदा हो जाती है। जॉन और लिंडा के तो ये पढ़कर ही पसीने छूट गए, पर सैम ये पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा और जॉन और लिंडा के डरने का मजाक भी उड़ाने लगा। जॉन को सैम का हंसना पसंद नहीं आया और उसने सैम को उस टेंट के अंदर अकेले जाने के लिए चैलेंज कर दिया। सैम ने फिर से हंसते हुए जॉन को जवाब दिया कि वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसने इतना भी कहा कि वो उस टेंट के अंदर जाएगा भी और हॉन्ज़ो के उस पुतले से उसकी लाल नाक भी चुरा कर लाएगा, और अगर उसने ऐसा किया तो जॉन को वो जोकर की नाक पहनकर स्कूल जाना होगा। उसी रात को सैम उस मेले के भूतिया टेंट के पास चला गया। एंट्री पर उसे फिर से वही सिगार पीता हुआ आदमी मिला। टिकट खरीद कर सैम उस टेंट के अंदर चला गया। उस टेंट के अंदर एकदम अंधेरा था। पहले सैम को बहुत से अजीबोगरीब शीशे दिखे और तरह तरह के डरा देने वाले पुतले भी, पर सैम कमजोर दिल का नहीं था। वो हंसता खेलता बस आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे चलते चलते सैम एक बंद कमरे में पहुंच गया। उसने एक दीवार पर पीठ लगाई और आगे जाने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन तभी
उसके पीछे की दीवार एक दरवाजे की तरह खुल गई और सैम उसके अंदर चला गया। अब सैम एक ऐसे कमरे में पहुंच गया था जिसके चारों तरफ सिर्फ बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रंग बिरंगे दरवाजे थे और हर एक दरवाजे के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। इससे पहले सैम कुछ समझ पाता, कमरे में लगे स्पीकर से एक आवाज आई, सही दरवाजा चुनोगे तो तुम आजाद हो, पर अगर गलत चुनोगे तो तुम्हें हॉन्जो मिलेगा। सैम 3 नंबर दरवाजे के पास गया और उसने जैसे ही उसे खोला वो रास्ता बंद था और वहां कुछ भी नहीं था। पर बहुत देर सोचने के बाद उसने 7 नंबर का दरवाजा खोला और वो खुश हो गया क्योंकि वही दरवाजा बाहर के रास्ते का था। सैम वहां से निकलना चाहता था पर उसे जॉन से लगाई अपनी शर्त पूरी करनी थी, तो वो उस दरवाजे को ढूंढने लगा जहां होंजो का पुतला था। जैसे ही उसने 5 नंबर का दरवाजा खोला, अंदर से एक बहुत ही डरावना आदमी उसके सामने आ गया। लेकिन जब सैम ने ध्यान से देखा तो वो कोई आदमी नहीं बल्कि सिगार पीता हुआ मोटा सा एक जोकर का पुतला उसके सामने था। कुछ सेकंड्स के लिए सैम की सांसें ही रुक गईं, पर उसने खुद को समझाया कि वो सिर्फ एक पुतला है और उसने उस पुतले से उसकी लाल नाक उतार ली और उस लाल नाक को लेकर हंसता हुआ उस कमरे से बाहर चला गया। सैम उसी शाम जोकर की उस लाल नाक को लेकर जॉन के घर चला गया और उसे पहनाकर उस पर हंसने लगा। जॉन ने गुस्से में आकर उस लाल नाक को दूर फेंक दिया और अपने घर के अंदर चला गया। सैम अब उस नाक को ढूंढता हुआ घर के बैकयार्ड तक पहुंचा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है और अचानक से उसे सिगार जलने की स्मेल भी आने लगी। सैम ने इधर उधर नजर घुमा कर देखा पर आसपास कोई भी नहीं था। सैम ने फटाफट से उस नाक को उठाया और अपने घर चला गया। सैम की मॉम घर से बाहर गई हुई थी और उन्होंने उसके लिए खाना बनाकर फ्रिज में रखा हुआ था। सैम ने जैसे ही फ्रिज से खाना निकाला उसे अपने घर के मेन डोर के बंद होने की आवाज आई। सैम घबरा गया और भागकर दरवाजा चेक करने गया पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। इसके तुरंत बाद ही सैम के घर का फोन बज पड़ा। उसने फोन उठाया तो कॉल पर जॉन था। जॉन ने उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और तभी बात के बीच में ही कॉल में एक अजीब सी डिस्टर्बेंस आने लगी और सैम को अपने फोन में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, किसी के हंसने की आवाज। फोन के दूसरी ओर एक बहुत ही डरावनी हंसी की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस मेले के टेंट के स्पीकर से आ रही थी। वो हंसी सुनते ही सैम के हाथ से फोन छूट गया। उसे थोड़ा शक था कि शायद जॉन उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसने फिर से अपने फोन से जॉन को फोन मिलाया पर इस बार भी फोन से जॉन की आवाज नहीं आई बल्कि फिर से सैम को वही डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने तुरंत फोन काट दिया लेकिन वो हंसी की आवाज अभी भी बंद नहीं हो रही थी और फिर धीरे धीरे वो आवाज उसके पूरे घर में गूंजने लगी। सैम की हालत अब घबराहट के मारे खराब होने लगी थी। तभी उसने देखा कि किचन की दीवार पर लाल रंग से HONZO होंजो लिखा हुआ था और उसके पूरे घर में सिगार का धुआं भर गया था। सैम बिना कुछ देखे अपने कमरे में भागा और दरवाजा बंद कर अपने कंबल में छिप गया। सैम के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, कमरे में भी बिल्कुल सन्नाटा था और तभी कोई जोर जोर से सैम के कमरे के दरवाजे को पीटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो दरवाजा कुछ ही देर में टूट जाएगा, लेकिन फिर वो दरवाजा ठोकने की आवाज और वो डरावनी हंसी की आवाज एकदम से बंद हो गई। सैम की जान में जान आई और वो दरवाजे के पास गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था
लेकिन फिर जैसे ही सैम ने अपने कमरे की तरफ दरवाजा वापस बंद किया, उसके होश उड़ गए। उसके दरवाजे पर लगे शीशे में सैम को होंजो दिखा और सैम बेहोश हो गया। जब सैम की मॉम घर पहुंची तो सैम की नाक टूटी पड़ी थी और वो खून से लाल हो गई थी। सैम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसकी नाक पर उस चोट का निशान और उसके मन में होंजो द जोकर का डर हमेशा के लिए रह गया। हमारी अगले हफ्ते की कहानी हॉन्टेड हाउस कचेरी बाड़ी स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।